हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? तो आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और अभी भी घर पे रह रहे होंगे। अनलॉक हो गया, इसका मतलब बाहर तो नहीं जा रहे होंगे, ज़रूरी काम के लिए जा रहे होंगे पर घर पे रह रहे होंगे। तो देखिए, आज मैंने बहुत ही हैवी मेकअप किया है। हैवी मतलब फाउंडेशन वगैरह तो नहीं यूज़ किया, पर हाँ बेबी क्रीम लगा कर यूज़ मेकअप किया है। और आज मैं खुश हूँ क्योंकि पता है आज है आम, जो भी उड़ीसा से है ना उन लोगों को पता होगा आज रजा है। तो हम लोग ना इस टाइम क्या करते हैं, रजा के टाइम पर लड़कियाँ कुछ काम नहीं करते हैं मतलब कोई कोई करते हैं, कोई कोई नहीं बहुत लोग करते हैं कुकिंग वगैरह, पर हाँ सब्जी वगैरह कट नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियाँ नहीं करते हैं, लड़के करते हैं। तो और मेरे पति को तो आप सब जानते हैं तो आज मेरा किचन से पूरा छुट्टी है, घर के काम के भी छुट्टी है। वो देखिए वो है काम वाली है, वो काम कर रही है, तो आज पूरा छुट्टी है तो मुझे तो कुछ काम नहीं करना है और लड़कियों को बस मेकअप होना है और सज कर बैठना है और गप्पे लड़ाना है, टीवी देखना है और जो जो चाहे जिसको जो भी चाहे कर सकता है। कुकिंग करते हैं मम्मा वगैरह करते हैं, पर मैं कभी नहीं करती हूँ रोजे पे, और मेरे हस्बैंड सब कुछ कर लेते हैं, और सब्जियाँ वगैरह कट नहीं करते हैं हम लोग, पूजा भी नहीं करते हैं, पूजा भी वो ही करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। और क्या तो देखिए आज मैंने बहुत अच्छे तरह से मेकअप हुई हूँ, सुबह से कुछ काम नहीं है तो क्या करूँ। पर अभी तक आई थिंक अभी 9:47 हो गया है, पर ब्रेकफास्ट नहीं मिला है क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं हाउस हेल्पर, जब तक वो नहीं जाएगी वो किचन में नहीं जाएंगे, वो जाने के बाद वो किचन में जाएंगे। मैंने बाल धोया था तो मैंने आज ना हमारे उड़ीसा में ना कोई कंघी नहीं करते हैं, हम जब छोटे थे ना मम्मी बोलती थी सुबह सुबह 5 बजे उठकर कंघी करो, फिर दिन भर मत करना, 3 दिन तक ऐसे रहना है, पर अभी नहीं करते हैं, अभी कर देते हैं हम लोग। तो फिर देखिए यहाँ पर बैठी हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं मेकअप होने के लिए बैठी हूँ। तो फिर मैं आज दिखाऊंगी मैं दिन भर क्या करती हूँ और मेरे हस्बैंड क्या क्या अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं। हमारे वहाँ पर बहुत सारी पीठा वगैरह हम बनाते हैं, और पीठा मतलब जैसे सब लोग डोसा बोलते हैं ना, डोसा इडली बोलते हैं ना, वैसे बहुत वैरायटी के होते हैं, हम लोग डोसा इडली को भी उड़ीसा में पीठा ही बोलते हैं, तो बहुत वैरायटी का होता है बनाते हैं। तो देखते हैं हमारे घर में क्या बनता है, थोड़ा थोड़ा हेल्प तो करना पड़ेगा मुझे पता है, क्यों वैसे तो ये सब बना देंगे कोई बात नहीं, पर देखते हैं। और मैं दिखाती हूँ मैं दिन भर क्या करती हूँ, उससे पहले मैं अपनी हेयर में थोड़ा सा सीरम लगा देती हूँ, जस्ट नाउ हेयर वॉश करके आई हूँ तो सीरम लगा देती हूँ। और आपको ये लिप कलर कैसा लगा, आई होप अच्छा लगेगा। मैंने 2 लिप कलर को मिक्स करके लगाया है, मेबलिन का, एक सेकेंड दिखा देती हूँ, ये 2 मेबलिन लिप ग्रेडिएशन, ये एक तो है फ्यूजिया 1 रेड 2, ये रेड 2 मेरा बहुत फेवरेट है। ये लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, कुछ खाओ पियो तो निकल जाता है, पर हाँ कलर बहुत अच्छा है इसका, रेड कलर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा आई मेकअप भी किया है, थोड़ा सा कंटूर भी किया है और ब्लश बस, और आईलाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया क्योंकि दिन भर अगर आईलाइनर लगाती रहूँगी ना पूरा ऐसे ऐसे कर कर निकल जाएगा, इसीलिए नहीं लगाया है। तो बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए। और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ दिखाऊँ, उससे पहले इस चैनल को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो देखने के बाद लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो, और बेल आइकन को हिट करना आपकी मर्जी, अगर आप चाहते हैं कि पहले देखें तो हिट कीजिए, नहीं चाहते तो मत हिट कीजिए, जब मन हो देख लेना, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए सोच रही थी इयर रिंग्स चेंज करूँ पर नहीं, अभी नहीं करूँगी, 2 दिन पहले ना मैंने चेंज किया था, तो मेरा ना ईयर का होल बहुत ही छोटा है, बहुत दुख रहा है, बस मुझे यही जगता है, और कुछ भी पहनो ना इतना दुखता है। तो देखते हैं नेल पॉलिश वगैरह लगा लेते हैं, छूट गया है और कुछ तो काम नहीं, मेकअप भी होना है, चलिए देखते हैं फिर बाद में बात करते हैं।
तो आज राजक के लिए आज मेरे हस्बैंड ने बनाया है पराठा, बूंदी के पराठा। ये देखिए बना दिया है बूंद, आउच गरम है। बूंदी के पराठा ये बनाना बहुत इजी है। जैसे कि आटा का डो जैसे करते हैं ना, वैसे ही गूंद लेना है। और स्टॉपिंग पे जैसे आलू पराठा बनते हैं ना, वैसे ही उसके अंदर बूंदी डाल। बेबी ये जल गया बेबी, तो जैसे आलू बनाते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे ही अंदर बूंदी का स्टॉपिंग डालकर बूंदी के पराठे बनाते हैं। तो फिर वो वही बना रहे हैं। और यहाँ पर हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, सब कुछ डाल दिए हैं, पानी नहीं डाले हैं, नहीं डाल देते। क्या कर ले हो अभी, देखो कौन आ गया, क्या कर ले हो? हाय बोलो, हैप्पी रोजा बोलो सबको, हैप्पी रोजा। जा अभी खा लो, पापा ने लिया है ना, खा लो। उसका भी नया ड्रेस आज ना, हमारे वहाँ पर सब लोग नया नया पहनते हैं, तो हम मैंने भी नया ड्रेस पहना है, मेरी बेबी भी नया ड्रेस पहनी है। वो नहीं पहने, लड़के नहीं पहनते, सिर्फ लड़कियाँ पहनती। उनकी दूध वाली कॉफ़ी है और मेरी ब्लैक कॉफ़ी, मैं नहीं पीती हूँ, मुझे दूध वाला कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए बना दिया है, हाय बोलो, हाय। बना दिए है। और कल वो रात को जाकर थोड़ा सा वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए थे, तो वो सब धोकर रखे हैं। ये देखिए, ये बनाना लाए थे दो दिन पहले, जब लाए थे तब येलो येलो था, फिर आज देखो देखा तो ये ब्लैक हो गया, क्योंकि वो बहुत ही कच्चा था। तो वो क्या किए ना, वो कवर पेपर कवर पे डालकर रख देते ताकि ये थोड़ा सा पक जाए, तो अभी वो ब्लैक हो गया है। देखो अंदर से थोड़ा थोड़ा वाइट है, बाकी तो ये सब ऐसे ब्लैक हो गया है। तो देखती हूँ इस पे से जो अच्छा निकलता है, बोल रहे हैं बनाना केक बनाने के लिए, तो वही बना दूँगी। इसको रख दो बेबी वहाँ, और सारे वेजिटेबल्स को धोकर रख दे। आज मैं ऐसे ही ब्लॉग शूट करूँगी, कुकिंग बहुत ही कम दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा कुकिंग पे तो मूड नहीं है। हाँ देखते हैं वो क्या बनाते हैं, उस हिसाब से दिखाऊंगी। चलो बेबी आप वो लेकर आ जाओ, मैं ही लेकर जाती हूँ। आज का दिन सच में बहुत अच्छा है, सुबह अच्छे से गया है, दिन भर अच्छा ही जाएगा। और कमेंट में बताइए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, आई होप सबका अच्छा लग रहा होगा। सुबह से सभी को विश कर दिया, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और घर पे उनके बहुत सारे गेस्ट थे, और मेरी देवर देवरानी सबको विश कर दिया, और घर पे मम्मी पापा को भी कॉल करके विश कर दिया। भैया भाभी को नहीं किया है, अभी तक वो लोग आए भी नहीं, 11 बज गया है, छी अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। एक सेकेंड, बुला रहे हैं। तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो फिर देखिए कौन आ गई है, हाय बोलो, हाय हाय बोलो बच्चा, मिशो हाय बोलो, हाय 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 हाय, रुको रुको उठ अपने आप करो, हाय बोलो, हाय हाय, स्माइल कर दो, हाय स्माइल। और भाभी भी आ गई, हाय बोलो, हाय। और भैया भी आ गया, ओ भैया इधर आओ, हाय बोलो। वो बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और देखो इन दोनों का फिर से शरारत शुरू हो गया, पर अभी तक हमारे घर पे करी नहीं बनाया है, पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, करी बनाने के मूड में नहीं है शायद। दो मुझे दो। आज सभी ने नया ड्रेस पहना है, देखो हमारी गुड़िया भी नया ड्रेस पहनी है। हाँ रुक कहाँ जाना है, और भाभी भी नया ड्रेस पहनी है, भाभी का ड्रेस देख लीजिए, और ये भी, ये दोनों का मैचिंग हो गया है। ओके मैं बाद में बात करती हूँ। तो देखिए ये आ गए करी बनाने के लिए, मैं तो नहीं बना रही हूँ, तो ये बना रहे हैं ना, तो फिर मैंने सोचा करी शेयर ही कर देती हूँ आप लोगों के साथ। और इनको ना किचन पूरा साफ करके ही कुकिंग करना पसंद है,
तो अभी ये फ्राई किया, थोड़ा नीचे गिर गया तो कुकिंग चल रहा है आपके साथ। तो देखिए पहले ना इन्होंने क्या किया, पटाटो और ये है परवल, इसको फ्राई करके रख दिए हैं। परवल पटाटो, आई थिंक सभी को पसंद पता होगा ये करी कैसे बनाते हैं। इसको फ्राई करके रख दिए हैं। तो मैं प्रोसेसिंग बता देती हूँ कैसे करते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल दिए हैं और थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दिए हैं और तेजपत्ता डाल दिए हैं और ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और रेड चिल्ली और जीरा थोड़ा सा लेकर उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना दिए हैं। और अभी उस पेस्ट को ऑयल पे डालकर उसे अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अभी देखिए ये बड़ा सा दो टमाटर है, इसको भी ग्राइंड कर दिए, फिर उसको फ्रेश पेस्ट बनाकर टमाटर की डाल दिए। और ऑयल ना बहुत थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा ऑयल मत डालिएगा वरना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। परवल को भी हमने फ्राई करके रखा है ना, इसीलिए अभी थोड़ा ड्राई मसाला डाल देते हैं, जैसे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, किचन किंग और चिली पाउडर और गरम मसाला, थोड़ा थोड़ा सब डाल देंगे। और ये चिकन मसाला है, अच्छा फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड हमेशा वो चिकन मसाला थोड़ा डाल देते हैं। और ये सॉल्ट पाउडर है, सॉल्ट है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए मतलब टेस्ट के हिसाब से। फिर इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। ऑयल थोड़ा सा ही डाला था पर पता चल जाएगा, ऑयल ना छोड़ दे। इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे। यहाँ पर तो हमने देखा हमने परवल और पटाटो को ऑयल पर फ्राई करके रखा है, ये देखिए मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पूरा ऑयल छोड़ दे। देखिए ये बुलबुल आ रहा है, मतलब ये ऑयल छोड़ रहा है, ऑयल छोड़ दिया। अभी परवल और पटाटो को जो फ्राई करके रखे हैं ना उसको हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितना स्माइल कर रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये करी ना इतना यम्मी बना था, एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको। और अभी इस पे ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हमने डाला है ना इस पे अच्छे से पूरा ये कोटिंग, मतलब परवल और पटाटो के अंदर आ जाए। इसीलिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि ये सॉल्ट और जो भी मसाले डाले हैं ना अच्छे से आ जाए। अभी मैंने क्या किया ना, इसमें ये बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया। देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का हाथ गीला था इसीलिए मैंने डाल दिया। तो इसको ना कसूरी मेथी डालने के बाद, कसूरी मेथी डाल सब लोग लास्ट पे डालते, लास्ट में मत डालिए, जब ग्रेवी पक रहा है ना तभी थोड़ा डाल दीजिए। देखिए इसका स्मेल कितना अच्छा आता है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी भी मुझे इस पे और थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा ग्रेवी तो चाहिए। और लास्ट में ना इस पे थोड़ा करियंडर लीव्स डाल दीजिए। अभी देखिए करी तो हो गया है और कितना अच्छा दिख रहा है, जितना अच्छा दिख रहा है ना इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा था, इतना ही यम्मी था। मैं तो नेक्स्ट डे ब्लॉग डालूँगी। देखिए और भी कुछ बनाना है, हो गया है, अभी मत कुछ बनाना, हो जाएगा बेबी। तीन तीन का हो गया आइटम, राइस दाल और ग्रेवी हो गया ना बस। अरे ये देखो, ये इंसान मुझे कुछ बताता नहीं, ये देखो क्या बनाए, मेरा फेवरेट दही बैंगन बना दिया है। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं। इसका अभी तड़का देना बाकी है, बेबी इसका तड़का दे दो ना, स्वीट बनाया ना, स्वीट डालो ना, चुप चुप कर कितना सारा आइटम बना दिए ना। चलो अभी मैं मेकअप निकाल लेता हूँ, इतनी देर तक मैं नहीं रख पाती हूँ, निकल भी गया है थोड़ा सा, चार घंटा हो गया ना। चलो तो हमने लंच करके बहुत टाइम हो गया है, आपने सोचा होगा मैंने मेकअप निकाल दिया। हाँ मैं ना दो तीन घंटे से ज़्यादा मेकअप नहीं रखती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने अभी मेकअप फेस में कुछ भी नहीं लगाया, बस कामा का रोज़ वाटर ही स्प्रे किया है, क्योंकि मैं मेरे फेस पे ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ कोई मेकअप, मुझे मेरे फेस को ख़राब नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना कुछ मेकअप करके, तो आते वक्त वो काम ख़त्म हो गया ना, गाड़ी में ही मैं अपना मेकअप रिमूव कर देती हूँ, मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकती, मेरा मुँह को ख़राब करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने दिखाया था ना वो मेरी भैया की बेटी को, हम उसके लिए पायल लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई कमेंट मत कर देना लॉकडाउन में जा रहे हैं, क्योंकि हाँ जब से वो पैदा होकर उससे 1 ईयर हो गया है और मैंने कुछ भी नहीं दिया है उसको, तो अभी उसका पायल खो भी गया है। तो मैंने सोचा कि चलो हम दोनों उसके लिए पायल, क्योंकि जब वो पैदा हुई थी ना तब वो 1 मंथ की थी और अपने घर में थी, तो मैं तो वहाँ उसे देखने गई थी, पर 10 दिन के लिए गई थी उसे देखने, 1 दिन के लिए गई थी फिर आ गई थी, तो उसे नहीं दे पाई। फिर जब छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, वो 1 महीने की थी, तो मैंने सोचा कि अभी क्या, वो तो कुछ पहने की भी नहीं तो क्यों दूंगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाए 6 मंथ या 1 ईयर की हो जाए फिर दूंगी। फिर मैं जा नहीं पाई, फिर वो जब यहाँ पर आई तब भी देने की सोच रही थी, पर हमने घर ले लिया, उसी चक्कर में लॉकडाउन हो गया, घर लिया उसके 10 दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया, तो सब तो उसके बाद लॉकडाउन के बाद तो शट डाउन हो गया, पूरा बंद हो गया, फिर ले ही नहीं पाई। फिर सोचा कि अभी थोड़ा थोड़ा शॉप खुल गया है, मैंने कल रात को हम लोग गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो मैंने देखा था कुछ शॉप्स वगैरह खुला था, तो अभी लंच भी हो गया हमारा, तो मैंने सोचा कि हम दोनों ने सोचा, सिर्फ मैंने नहीं, कि चलो देखते हैं अगर खुला है तो उसके लिए पायल ले आते हैं। अभी तो बस उसे पायल ही दे दूंगी, गोल्ड का कुछ सोचा नहीं है, पर पायल ही दे दूंगी, तो देखते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं जा ही रही हूँ तो आप लोगों को भी साथ लेती हूँ, तो देखते हैं कौन सा पायल आते हैं। तो मैं डायरेक्ट पायल की शॉप पे मिलती हूँ, अभी तो पूरा रश हो गया है, अगर होगा तो मैं वहाँ पर दिखाऊंगी, वरना घर आने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा वाला पायल लिया है उसके लिए। तो फिर हम लोगों ने ले आए, ये देखिए, पर अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, घर जाकर दिखाऊंगी, अभी रास्ते पे कैसे खुल कर दिखा सकती हूँ घर जा। तो हम लोग घर आ गए हैं, तो मैं उसके लिए ये वाला पायल लेकर आई हूँ, और उसके साथ मैं ये भी लेकर आई हूँ, ये मंदिर पे रखते हैं ना, पानी रखते हैं ना, मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, कुंभ बोलते हैं ना, लेकर आए। तो देखिए उसे पहनाते हैं, मैंने कहा इनको कि बड़ा हो जाएगा, इन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है, ये देखो ये हो रहा है क्या, ये देखो इनका ये देखो, इनको अगर लाने भेजोगे ना इतनी अच्छे से लेकर आते हैं, अभी दिखाओ बेबी इधर, ये देखो इसके लिए लेकर आए हैं, देखो इसका मम्मी को भी हो जाएगा, ठीक है मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। देखो ये इतनी पतली थी पहले, इसीलिए मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया था जब ये पैदा हुई थी, तो अब लेकर आई तो अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैं क्या लाऊं अभी, देखो कैसे बैठ रही है। गुड्डू हाय बोलो, हाय हाय हाय, स्माइल करो, रुको रुको रुको, तो अभी देखते हैं, मुझे लगता है इसे एक्सचेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उसे होने वाला तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत मतलब कम से कम इतना बड़ा हो रहा है इसे, तो मुझे लगता है अभी इसे लेकर एक्सचेंज ही करना पड़ेगा, देखते हैं। तो फिर हम लोग आ गए घर पे, और मैंने अपनी बच्ची के लिए देखे ये वाला पायल लिया है, उसे भी बहुत पसंद है, और उसके साथ हमने 2 पेड़ भी लिया है, दिखा बच्चा इधर दिखा ना पेड़ को, देखिए एक ये वाला पेड़ लिया है और एक रोज का लिया है, रोज लेकर, और देखिए हमने ये वाला रोज का पेड़ लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे पास था ऑलरेडी पर वो खराब हो गया था, तो और एक लेकर आ गई। तो अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, पता नहीं कैसा था, अच्छा था बुरा था, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। तो आपको ये चीजें चाहिए तो आपको कमेंट डाउन बिलो में मिलेगा, ये कोई चीज़ें नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमने रोड साइड लिया था, हमने कहीं कोई बड़ा वाला शॉप से नहीं लिया था, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिखूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी मैं बहुत थकी हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, बेल आइकन भी करना।